ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ज्वाला माँ की विधिवत पूजा अर्चना की और ज्वाला माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। ज्वालामुखी पहुंचने पर एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज एवं मंदिर अधिकारी बिशनदास शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ज्वाला माँ का विधिवत पूजा अर्चना की और ज्वाला माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ज्वालामुखी पहुंचने पर एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज एवं मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया। मंदिर प्रशासन की तरफ से एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा एवं डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज ने उन्हें ज्वाला माँ की चुनरी और ज्वाला माँ का प्रतीक फोटो पेंट किया। ज्वालामुखी पुजारी सभा ने उनका मंदिर पहुंचने पर फूलों के गुलदस्तों से उनका स्वागत किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। सैकड़ों देवी देवताओं के मंदिरों के अलावा यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना मौजूद है। उन्होंने कहा कि यहां के मंदिरों में दक्षिण के मंदिरों की तर्ज पर विकसित करने वाले यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उनको विकसित करने की जरूरत है। ज्वालामुखी मंदिर में मैंने पहली बार ज्वाला माँ के दर्शन किए। ज्वालामुखी एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। उन्होंने ज्वाला माँ से कामना की कि मुझे शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करे। उन्होंने कहा कि इन दो कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर करवाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र को रेल का हवाई मार्ग से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे हिमाचल में पर्यटन बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत से टूरिस्ट आते हैं, आम जनता सिर्फ शिमला और आसपास के क्षेत्रों में देख लेते हैं। मैं तेलंगाना सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार को, दोनों सरकारों को बैठाकर कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के विस्तार के लिए कहां रेलवे का बजट जो है केवल कुल्लू मनाली जैसे जिलों को नहीं बाकी प्रांतों को भी विस्तार करने के लिए भारत सरकार से प्रयत्नशील रहेंगे। अभी जो इन्वेस्टर मीट हुई है उसमें भी हेली कम्युनिकेट छोटे छोटे जो भी विमान है उन विमानों को जितने भी राज्य में जिला केंद्र में जितने भी हवाई अड्डे होने चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ पवित्र मुनि ऋषि और पांडव ऐसे महापुरुष इतिहास के वो सभी लोगों से ये भूमि पवित्र बना चुका है और मुझे बहुत आज जीवन में एक अच्छा जो है दर्शन हुआ है। मुझे आज ज्वाला जी का जो दर्शन लेना, ये शक्तिपीठ जो है बहुत बड़ी शक्तिपीठ है। बहुत से जो है शक्ति आध्यात्मिक भावना को जागरण करती है और आम लोग सामान्य लोग वो भी सदियों से विश्वास रखते हुए इसको इतना पवित्र भूमि के नाते से देखा जा रहा है कि ज्वाला जी का शक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत अच्छी सदाचार को प्राप्त करना और दूसरी जो है मैं राज्यपाल के नाते से अच्छा जो है या काम कुछ करने के लिए मुझे शक्ति और स्वास्थ्य और सभी शक्तियाँ मुझे देने के लिए मैं माता ज्वाला जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। राज्यपाल के नाते से मेरा और एक भी जो है दायित्व है, इस देवभूमि में जो शक्तिपीठ है और वैसे जो है पुण्य क्षेत्र है।